तो दोस्तों बैटरी में कभी भी भूल कर भी आपको नमक वाला पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना जो आपकी बैटरी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप जो ख़राब बाइक की बैटरी होती है उसे घर पर रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सेल बाइक की एक्साइड की बैटरी है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई जो एक्साइड की बैटरी होती है जो सेल बाइक में यूज होती है उसे आप घर पर रिपेयर करके दिखाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अभी इसमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के करीब इसमें बोल्ट जा रहा है और ये पूरी तरीके से डेड है। इसे किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं सारा कुछ मैं आपको वीडियो बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो को भी से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस बैटरी कवर को ओपन करूँगा, तो आपको पूरी सावधानी से यहाँ पर इसका जो कवर है वो ओपन कर लेना है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपको इस बैटरी को जो बूस्टर वाले चार्जर होते हैं उनसे आपको चार्ज करके देख लेना है। अगर ये चार्ज हो रही है तो आपको ये ट्रिक इसमें नहीं यूज करनी है, फिर तो ये ठीक हो ही जाएगी। लेकिन उसके बाद में भी अगर ये चार्ज नहीं हो रही है तो आपको ये जो ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊँगा ये आपको पूरा फॉलो करना है। तो आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वरना जो आपकी बैटरी है वो ठीक तो बिल्कुल नहीं होगी लेकिन पूरी तरीके से ख़राब ज़रूर हो जाएगी अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक कर दी। तो वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। आपको पहले इसकी पूरी सावधानी से जो इसका कवर है उसे रिमूव कर लेना है। इसका कवर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये कैप जैसा लगा होता है, ये बिल्कुल इसके ऊपर ही चिपका होता है। तो अगर आप इसे एक बार निकाल लेते हैं तो आपको वापस इसे इंस्टा ग्लू या सुपर ग्लू से चिपकाना पड़ता है, तभी यहाँ पे सेट होता है। तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे 7 छेद होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो 6 छेद हैं इनमें हमें जो ट्रिक है वो लगानी है। तो आपको इसमें रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सारी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी, आपको मार्केट से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं खरीदनी है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसे रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो घर का नॉर्मल पानी होता है वो आपको ले लेना है, और इसके बाद में जो खाना सोडा होता है जो आपके घरों में खाने में यूज करते हैं ये वाला सोडा आपको ले लेना है। अगर आपका इन्वर्टर घर पे है तो आप इन्वर्टर का पानी भी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। तो आप इसमें पानी की पाउच का भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक यहाँ पर सबसे बेस्ट है। तो आपको ये ट्रिक इसमें फॉलो करनी है। इससे क्या होता है, जो इसकी प्लेट होती है वो दोबारा से उनके अंदर जो भी एनर्जी बची हुई होती है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर दोबारा से रिकवर हो जाती है। तो आपको इसमें ये ट्रिक इसमें यूज करनी है। अगर आप इसमें बैटरी का जो इन्वर्टर होता है उसका पानी डालेंगे तो उसकी प्लेट उससे गल सकती है। तो आपको जो बेकिंग सोडा होता है यानी कि खाने का सोडा होता है ये आपको इसमें डालना है। आप चाहें तो नई सिरिंज का यूज करके भी डाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा दूर से इसे डालना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एसिड होता है, तो आपको ये सावधानी यहाँ पर बरतनी है। आपको सभी छेदों में आपको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल देना है। तो जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है, और आपको इतना इसमें पानी यूज करना है। ऐसा नहीं आपको सारे जो छेद उन्हें फुल कर देना है, उसके बाद में जो बैटरी वो यहाँ पर रिपेयर नहीं होगी और वो चार्ज भी नहीं होगी। तो आपको कम से कम यहाँ पर इसमें 2 से 3 चम्मच एक इसमें छेद में पानी डालना है, फिर उसके बाद में आपको जो कवर है वो वापस से लगा देना है। और उसके बाद में भी ये आपको ऐसा नहीं सिंपली से यूज करना है, पहले आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा एक अच्छे चार्जर से। तो चार्जर बनाने का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको 2-3 वीडियो छोड़ के वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने 5 एम्पीयर का एक चार्जर बना के दिखाया है। तो चलिए अब इसे हम 5 एम्पीयर के एक चार्जर से इसे चार्ज करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि हमारी जो बैटरी वो यहाँ पर ठीक हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर से 5 एम्पीयर का चार्जर बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसे बनाना सीख सकते हैं। तो चार्जर का जो पॉजिटिव वाला वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव पे लगा देता हूँ और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पे, और कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो बैटरी वो यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए मैं बैटरी के वायर को निकाल के आपको फाइनली चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारी जो बैटरी वो रिपेयर हुई है कि नहीं। तो मैं आपको इससे एक 12 वोल्ट की DC 775 मोटर चला के दिखा देता हूँ। ये काफ़ी पावरफुल मोटर होती है और ये 12 वोल्ट पे यहाँ पे वर्क करती है। तो देख पाऊँगा यहाँ पे हमारी जो बैटरी वो पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा स्पार्क भी हो रहा है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से बिल्कुल रिपेयर हो चुकी है। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, आपको इसमें ये ट्रिक यूज करनी है, लेकिन पूरी सावधानी से यहाँ पर आपको बैटरी कवर को ओपन करना है और उसके बाद में जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको फॉलो करनी है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।